निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए महापौर नीरज पाल और निगम आयुक्त रोहित व्यास तथा MIC मेंबर व स्वच्छता प्रभारी लक्ष्मीपति राजू ने स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों से लेकर सुपरवाइजर स्तर के कर्मचारियों की विशेष बैठक ली। निगम क्षेत्र में सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने ली गई बैठक में 100% डोर टू डोर कलेक्शन के साथ ही सूखा कचरा एवं गीला कचरा पृथक पृथक लेने के निर्देश दिए गए। वहीं सूखा कचरा अलग तथा गीला कचरा अलग देने के लिए रहवासियों को जागरूक करने कहा गया। सफाई के लिए रोस्टर सिस्टम का पालन करने के निर्देश दिए गए। SLRM सेंटर की व्यवस्था सुधारते हुए खाद निर्माण करने कहा गया। सड़कों की सफाई, नालियों की सफाई पर विशेष फोकस करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए तथा शहर में कहीं भी डंपिंग साइट न हो इसके कड़े निर्देश दिए गए। निर्माण एवं विध्वंस के मलबे पर कार्रवाई करने के लिए निगम विशेष अभियान चलाएगा। इसके लिए शेड्यूल तैयार किया गया है। सड़कों पर मलबा बिखेर कर सड़क बाधा करने वालों को चेतावनी देने के साथ ही मलबे को हटाने तथा जुर्माना लगाने की कार्रवाई भी की जाएगी। अब इस पर निगम सख्ती दिखाएगा। नालियों पर अतिक्रमण करने वालों को नोटिस भेजने के बाद भी नहीं मानने पर अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, निर्माण एवं विध्वंस के जो मलबे हैं या फिर सड़क किनारे जो बिल्डिंग बनाते हैं और सड़क पर ही बिखेर के जो है मलबा को रख देते हैं, इनके लिए जो है विशेष अभियान निगम की टीम इनकी कार्रवाई के लिए चलाएगी और इसके निर्देश जो है माननीय आयुक्त महोदय ने सख्त इसके लिए निर्देश दिए हैं कि कहीं पे भी ऐसा बिल्डिंग मटेरियल पड़ा ना हो। और दूसरा, जब बिल्डिंग मटेरियल का मलबा मिलेगा तो उनके बिल्डिंग परमिशन की भी जांच की जाएगी, क्योंकि निर्माण है तो अवैध है नहीं है, इसकी परमिशन भवन अनुज्ञा ली गई है या अनुमति निगम से ली गई है नहीं ली गई है इसकी भी जाँच होगी। तो मलबा को जो हटाने की कार्रवाई होगी, यदि निगम का संसाधन लगता है तो उतने जो नियमानुसार जो राशि लगेंगे वो पेनाल्टी भी जो मलबा के मालिक होंगे जो उन्होंने रखा है जो रिस्पॉन्सिबल होंगे उनसे भी लिया जाएगा। तो इस प्रकार से एक वृहद अभियान जो है वो निर्माण विध्वंस को लेकर चलेगा। और स्वास्थ्य महकमे की जो बैठक है वो माननीय महापौर जी और आयुक्त महोदय ने ली है। सफाई व्यवस्था बेहतर करने के लिए जो भी कार्य किए जा सकते हैं उन पर फोकस करने उन्हें निर्देश दिए हैं। प्रत्येक सुपरवाइजर को मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उनसे उनको टिप्स भी दे करके सफाई व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए इनसे भी सुझाव लिए हैं, सुपरवाइजर स्तर से लेके बाकी अधिकारियों से, ताकि सफाई व्यवस्था को और बेहतर किया जा सके। महापौर एवं आयुक्त ने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा है कि सफाई व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।